फातिमा दर्द सही हुआ? है अभी दर्द? बहुत ज़्यादा दर्द है, इशाल की दाढ़ में हो रहा है काफ़ी दर्द ना, तो हम लोग आज सोच रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाएं। इशाल दिखाओ, ये जो इशाल की जो दाढ़ है ये उसकी अभी तक टूटी नहीं है, जैसे दूध के दांत टूटते हैं ना, तो इशाल की अभी तक नहीं टूटी, तो उसमें कैविटी भी लग गई है, तो कैविटी की वजह से बहुत मतलब दर्द भी है, इन्फेक्शन भी जैसे एक होता है ना हो गया है। तो अभी आज हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, ताकि ना फिर देखते हैं डॉक्टर जो भी सजेस्ट करेंगे। तो अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हम लोग यहाँ पर आए हैं क्लिनिक पे, तो बस अभी वेट कर रहे हैं कुछ, क्योंकि अंदर कुछ पेशेंट्स थे और ये जो क्लिनिक है वो अली के मामू की है। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम सब लोग उम्मीद है सब ठीक होंगे और मजे में। जैसे कि फातिमा को दर्द था पर होल्डिंग के साथ चल रही है और मैं कह रही थी थोड़ी ठंडी है, दाल में काफ़ी दर्द था, दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। साथ में यहाँ पे हम लोग सोच है जैसे टी वी और भी पेशेंट अली अंदर टी वी ऑन करवा लेते, मैंने कहा नहीं मैं टी वी क्या देखते यहाँ पे वेट कर रहे थे। यहाँ पे था फिश, असल में डॉक्टर जो है उनके मामू हैं, तो बस हम उसकी के लिए वैसे बताते हैं, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। तो मैं काफ़ी घबराई हुई थी, डर भी रही थी, पर जाहिर सी बात है बच्चे होते हैं तो बच्चे इन चीज़ों से डरते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि फातिमा की दाढ़ में इतना शदीद दर्द हुआ है कि उसका पूरा गाल जो था ना वो सूज गया था। तो हमने सोचा कि ऐसे नहीं कुछ ज़्यादा ही इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, पर वाकई हम लोग जब गए तो पता चला कि इन्फेक्शन ही हो गया था, इस वजह से इतना दर्द था उसको। तो बस फिर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिख के दी। बाबा छोटा होता था इसीलिए और वहाँ से फिर फ्री होके हम लोग यहाँ पर मॉल में आ गए थे, जबकि फातिमा की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। फिर भी फातिमा से मैंने पूछा कि चलना है, तो उसने कहा कि हाँ, क्योंकि आज बच्चों का काफ़ी दिल था कि हम लोग बाहर जाएंगे कहीं। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे मॉल में आ गए थे, हाइपर स्टार आ गए थे, और यहाँ पे काफ़ी हमें अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही थी, और ये हम लोग जस्ट ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह देख रहे थे। और दूसरा ये कि मैं अपने लिए कुछ किचन की चीज़ें जो हैं वो चेक कर रही थी। मुझे उसके बाद फिर फातिमा को खाने थे ये कॉर्न, उसको वैसे भी कॉर्न बहुत पसंद है। मैं घर में भी अक्सर, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं उसको बना के दे रही होती हूँ, बॉयल करके देती हूँ, और जस्ट मैं बस नमक ऐड करती हूँ और बस, और कुछ भी नहीं, बस बॉयल करके, और उसको मतलब अच्छे लगते हैं, बचपन से ही वो खाती उसकी आदत है। तो हम लोग यहाँ पे भी आए तो उसने कहा कि मुझे ये खाने, तो उसने वो खाए। आबिश ने पॉपकॉर्न लिए थे अपने लिए, और उसके बाद फिर यहाँ हम लोग हाइपर में चीज़ें चेक वगैरह कर रहे थे, तो ये डंबल्स नज़र आए, तो मैंने अली से कहा कि ये डंबल्स हम लोग ले लेते हैं, और ये जो डंबल्स हैं उनकी बहुत ज़रूरत है आपको। और उसके बाद फिर हम लोग ये आ गए थे बर्थडे और इस तरह के गिफ्ट्स वगैरह जो होते हैं, बलून्स वगैरह, इस तरह की पैकिंग की जो चीज़ें होती हैं गिफ्ट पैक करने की, तो हम लोग इस पोर्शन में आ गए थे। और मुझे कुछ कैंडल्स वगैरह लेनी थी, और फातिमा ने और अरबिश ने लिए थे बलून। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर, और घर पर आके हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया। और आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू।